बिहार दैनिक समाचार सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। समाचार सुपर फास्ट में देखेंगे बिहार की 20 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले कोरोना अपडेट। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,10,00,000 को किया पार, वहीं मरने वालों का आंकड़ा 9,62,000। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 54,12,000, वहीं मरने वालों का आंकड़ा 86,000 को किया पार। बिहार में 1,555 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,68,542 हो गई। लोजपा के संस्थापक व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ गई है, इन दिनों वे ICU में भर्ती हैं। बक्सर में 1 सितंबर को चक्की में गैस एजेंसी कर्मी से दिन दहाड़े 2,17,000 की हुई लूट मामले में पुलिस की पड़ताल जारी है। एजेंसी कर्मियों के साथ साथ कई अन्य लोगों से हुए पूछताछ के बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंची है। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों के नाम एक भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में व्यवस्था की जानकारी दी है कि उनके पिता रामविलास पासवान दिल्ली के एक अस्पताल के ICU में भर्ती हैं। बिहार में CPIML को महागठबंधन से 53 सीट चाहिए। CPIML के जनरल सेक्रेटरी दीपंकर भट्टाचार्य ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि इस बार समीकरण 2015 की तरह नहीं है और राजद को 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम भी ध्यान में रखना चाहिए। बिहार में आगामी 21 सितंबर को प्रधानमंत्री की ओर से शिलान्यास होने वाली 7 परियोजनाओं से राजधानी पटना आने जाने में सुविधा बढ़ जाएगी। उत्तर से दक्षिण बिहार के आवागमन के लिए महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक नए पुल का निर्माण होगा। टेंडर के बाद काम अलॉट हो गया है। अप्रोच रोड सहित 14.5 किलोमीटर लंबे इस पुल को 4 लेन बनाया जाएगा। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष, उत्तर दक्षिण बिहार के प्रभारी सचिव व पार्टी के बिहार प्रभारी की मौजूदगी में केंद्रीय नेतृत्व ने उन विधानसभा क्षेत्रों का चयन कर लिया गया है जहाँ से पार्टी के उम्मीदवार ताल ठोकेंगे। कोरोना काल में बस, ऑटो व टैक्सी में सफर करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया। राज्यव्यापी इस अभियान में वाहन मालिक, बस ड्राइवर, कंडक्टर, यात्री समेत लगभग 1,125 लोगों पर 9,45,000 का जुर्माना लगाया गया। बिहार के अररिया में हथियारों से लैस 6 बदमाशों पर 2 भाई भारी पड़ गए। लहू लुहान दोनों भाइयों ने साहस का परिचय देते हुए अपराधियों की पिस्टल छीन ली और लूट से 2,00,000 रुपये भी बचा लिए। घटना अररिया जिले के फारबिसगंज की है। बिहार के भोजपुर के जगदीशपुर में कृषि बिल को किसानों का अहितकारी कानून लाने का आरोप लगाकर किसान सड़क पर उतर आए। केंद्र सरकार के इस बिल के विरोध में गुस्साए किसानों ने NH-30 को नयका टोला पर जाम कर दिया। बिहार में खाद, बीज और कीटनाशी बेचने का लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कृषि विभाग ने लाइसेंस देने के साथ ही लाइसेंसधारियों के द्वारा खाद व बीज बेचने में हो रही गड़बड़ी की शिकायतों को दूर करने के लिए पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी है। मैट्रिक 2021 के परीक्षार्थी अब अपनी तैयारी दूरदर्शन के माध्यम से ही करेंगे। अभी तक दूरदर्शन पर 10वीं की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अनुसार पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए शिक्षकों की टीम बनाई गई है। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में अब 10% जमीन सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ों और महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। राज्य सरकार ने कमजोर तबके के लोगों और खासकर महिलाओं को उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव की रणनीति तैयार कर ली गई है। इस रणनीति के तहत प्रत्येक बूथ पर 500 ग्राम सैनिटाइजर मतदाताओं के लिए रखा जाएगा। भोजपुर के पटना आरा राजमार्ग स्थित कोइलवर पुल पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते एक वीडियो वायरल हुआ है। भोजपुर SP हरि किशोर राय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात 4 जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रेलवे कल 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनें चलाने जा रही है। सभी ट्रेनें बिहार से होकर गुजरेंगी। इनके लिए रिजर्वेशन 19 सितंबर से शुरू हो चुका है। इनमें रिजर्वेशन 10 दिन पहले कराया जा सकता है। किसी बात को लेकर हुई विवाद में ASI ने होमगार्ड जवान को गोली मार दी। ये गोली जवान के कंधे को छूती हुई निकल गई। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।
पिछले एक साल से सभी राजनीतिक पार्टियां पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर पलटवार कर रही थी। जदयू, भाजपा, राजद, कांग्रेस नए नए स्लोगन के जरिए वोटरों को लुभाने में जुटी थी, लेकिन यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें पोस्टर पर साथ हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में देश के दिग्गज नेताओं का आना जाना जारी है। ऐसे में वैसे वोटों को बटोरने के लिए भाजपा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी उतारने के संकेत दिए हैं। राज्य में पहली बार रबर का डैम फल्गु नदी पर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को इसका उद्घाटन करेंगे। इस डैम को बनाने का मकसद गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु में सालों भर कम से कम 2 फीट पानी उपलब्ध कराना है। वीआईपी के मुकेश सहनी ने उम्मीदवारों से साफ साफ कहा है कि टिकट की उम्मीद करने वालों को आवेदन के साथ एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। इस पत्र में वह स्वीकार करेंगे कि अगर टिकट नहीं मिला तो वह विवाद पैदा नहीं करेंगे। तो इसी के साथ बिहार दैनिक समाचार सुपरफास्ट का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। bihardainik.com पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कल मिलेंगे बिहार दैनिक समाचार सुपरफास्ट में। तब तक के लिए प्रीतम कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।